हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवा फ्रॉम केमिस्ट्री क्रैकर क्लासेस। मैं आज आपके लिए क्लास 11th का एक और नया टॉपिक लेकर आया हूँ। टॉपिक का नेम है फजांस रूल। फजांस रूल हमारे केमिकल बॉन्डिंग का ही एक टॉपिक है, क्लास 11th से भी टॉपिक है, ये ग्रेजुएशन में भी हम पढ़ते हैं और यहाँ से हमारी नीट जेई वगैरह में क्वेश्चन बना करते हैं। काफ़ी क्वेश्चन आते हैं फजांस रूल से। थोड़ा सा अलग थोड़ा सा टॉपिक है हमारा, टॉपिक से हटके है थोड़ा सा, लेकिन है हमारे सिलेबस में ही है। आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि फजांस रूल होता क्या है। ठीक है, आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि अगर मेरे पास कोई कहता है कि भाई NaCl मेरे पास है, तो मैं कहता हूं सर ये तो 100% आयनिक होगा, 100% आयनिक होगा। अगर Cl2 की बात करते हैं तो हम कहते हैं सर ये तो 100% नॉन पोलर होगा, 100% नॉन पोलर होगा। ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू फजांस, अगर किसी भी कंपाउंड्स का जो बॉन्ड है, किसी भी कंपाउंड्स के बीच में जो बॉन्ड है, वो ना तो 100% आयनिक होते हैं, ना तो 100% आयनिक होते हैं और ना ही वो 100% कोवेलेंट होते हैं। एक नई चीज़ हम लोग सीख रहे हैं कि किसी भी कंपाउंड्स के अंदर ना तो 100% आयनिक करेक्टर्स होता है, ना ही 100% उसके अंदर कोवेलेंट करेक्टर्स होता है। मींस पार्शली करेक्टर्स होता है, मतलब कोवेलेंट भी हो सकता है, आयनिक भी हो सकता है। कितना नेचर होगा बॉन्ड के, नेचर को समझने के लिए हम लोग फजांस रूल पढ़ रहे हैं। फजांस रूल हमें बताता है कि किस कंपाउंड्स में कितना कोवेलेंट करेक्टर हो सकता है, कितना मैक्सिमम कोवेलेंट करेक्टर होगा, कितना आयनिक करेक्टर्स होगा, ये चीज़ हम लोग फजांस रूल से सीखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। थ्योरी में इसकी दूंगा, फजांस की स्टार्टिंग में मिल जाएगी, आप उसे नोट कर सकते हैं आराम से। ठीक है, बॉन्ड का नेचर फाइनली हम लोग पता कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये सब चीज़ बताने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, आपके शायद समझ में आएगा, आपको अच्छा लगेगा कि फजांस रूल क्या है। फजांस रूल का जो पहला स्टेटमेंट ये था कि लेस कैटाइन, ठीक है, लेस कैटाइन, जितना ज़्यादा लेस कैटाइन होगा उतना ही ज़्यादा पोलराइजेशन होगा। चलिए अभी ये सब बात ही नहीं हम करते हैं, पहले समझते हैं कि पोलराइजेशन होता क्या है। पहले तो हम यही समझ लेते हैं कि पोलराइजेशन होता क्या है। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिएगा कि यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं सर्किल के अंदर। ठीक है ना, फिलहाल आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि इस सर्किल के अंदर बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं और सबके सब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके बैठे हुए हैं, नेगेटिव क्लाउड है सबके पास। जितने भी लोग यहाँ रहते हैं सबके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, सबके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, भाई नेगेटिव डेंसिटी है सबके पास। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ये काफ़ी संख्या में लोग हैं, आप ऐसे समझ लीजिए कि संख्या, इसमें काफ़ी संख्या में लोग हैं कहीं एक किसी प्लेस पे खड़े हुए हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं, इनके पास से लाखों करोड़ों लोग निकल भी जाएंगे ना, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कितने भी लोग चले जाएं, इन्हीं के पास से गुजर कर अगर लाखों करोड़ों लोग चले जाएँ तो इन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन कोई एक ऐसी सेलिब्रिटी है हमारे पास, मींस कोई भी एक ऐसी सेलिब्रिटी है हमारी, जो कोई भी हीरो हो सकता है, कोई भी क्रिकेटर्स हो सकता है, कोई भी एक ऐसी सेलिब्रिटी, और सिंगल आदमी भी, अगर एक सिंगल पर्सन भी होगा ना, छोटी सेलिब्रिटी होगी ना, वो इन सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। ये जितने भी लोग थे ना, सबके सब उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाएंगे, क्योंकि ये या तो कोई भी एक क्रिकेटर हो सकता है, या कोई हीरो हो सकता है, या ठीक है कोई भी आपकी सेलिब्रिटी हो सकती है किसी भी टाइप्स की। ये जितने भी लोग खड़े थे सर्कल में, सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, और ये जो लोग सर्कल में थे वो सबके सब शिफ्ट होने लग जाएंगे, सबके सब उस सेलिब्रिटी की तरफ भागने लग जाएंगे, और ये जो सर्कल में लोग थे अब वो सर्कल में ना होकर थोड़ी सी शेप डिस्टर्ब हो जाएगी, और शेप डिस्टर्ब होने से हमें सही कहते हैं डिफॉर्मेशन हो चुका है। क्या हो चुका है यहाँ पे लोगों का? डिफॉर्मेशन हो चुका है,
मींस इसी को हम लोग कहते हैं पोलराइजेशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में चले जाएंगे और इसी को हम लोग कहेंगे कि पोलराइजेशन हो चुका है। मतलब हमने ये सीखा कि छोटे से छोटा कैटाइन आपके एनायंस के जो आपके एनायंस है उनके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ डिफॉर्म कर लेता है। ठीक है, छोटे से छोटा कैटाइन जितना ज़्यादा छोटा होगा, जितनी अच्छी सेलिब्रिटी होगी, ठीक है ना, चाहे वो एक ही क्यों ना हो, जितना भी छोटे से छोटा होगा वो आपके एनायंस के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ डिफॉर्मेशन कर लेगा और इसी को हम लोग कहते हैं पोलराइजेशन। तो पहला स्टेटमेंट आ गया लेस कैटाइन, पहला स्टेटमेंट आ गया और इसी को हम पोलराइजेशन कहते हैं। पोलराइजेशन होगा तो कोवेलेंट करेक्टर बढ़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेंगे, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में चले जाएंगे। भाई देख रहे हैं आप लोग, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, शेयरिंग होने लग गई और शेयरिंग होने लग गई तो कोवेलेंट करेक्टर आ जाएगा। मीन्स हमने क्या सीखा कि डिफॉर्मेशन मीन्स पोलराइजेशन, डिफॉर्मेशन होगा जितना छोटा कैटाइन होगा। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं लेस कैटाइन ठीक है, लेस कैटाइन अगर होगा मेरे पास, ठीक है, लेस कैटाइन होगा तो मेरा क्या होगा, उतना ही ज्यादा पोलराइजेशन होगा। ठीक है, पोलराइजेशन हो जाएगा उतना ही ज्यादा। ठीक है, लेस कैटाइन होगा तो उतना ही ज्यादा पोलराइजेशन होगा और जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ही मेरा कोवेलेंट करेक्टर बढ़ जाएगा। ये चीज आप बहुत अच्छे से सीख लें और समझ लें, लेस कैटाइन मोर पोलराइजेशन और मोर पोलराइजेशन मींस मोर कोवेलेंट करेक्टर्स। ठीक है, तो ये तो पहला स्टेटमेंट आ गया हमारे पास कि जितना ज्यादा लेस साइज होगा कैटाइन का उतना ही पोलराइजेशन आपका ज्यादा होगा। ये तो हो गया हमारा पहला कि लेस कैटाइन मींस पोलराइजेशन ज्यादा होगा। आइए मैं कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा तो आपको आइडिया होगा पीरियडिक टेबल की अगर हम बात करें, पीटी की बात करें, लेफ्ट टू राइट जाने पर आपकी जो एटॉमिक साइज वगैरह होती है या आयनिक साइज वगैरह जो होती है, एटॉमिक हो या आयनिक साइज होती है, ठीक है, वो लेफ्ट टू राइट जाने पर तो डिक्रीज करती हैं, लेकिन अप टू डाउन आने पर, अप टू डाउन करने पर आपकी जो एटॉमिक साइज वगैरह है या आपकी आयनिक साइज वगैरह है वो सब आपकी क्या करती हैं, इंक्रीज कर जाती हैं। ये बात आपको पता है, आप जानते हैं, थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि साइज हमारी लेफ्ट टू राइट जाने पर घटती है बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका बढ़ता है और टॉप टू बॉटम आने पर साइज आपकी इंक्रीज करती है। ठीक है, तो प्लीज पहले से पॉज करके नोट कर लें, अभी हम दोबारा इसके बारे में बात कर लेंगे। आइए फटाफट इसे नोट कर लीजिएगा आप। आइए तो देखते हैं, ये चीज हमने सीख ली कि जितना ज्यादा छोटा कैटाइन होगा उतना ही डिफॉर्मेशन होगा, डिफॉर्म हो जाएगा आपका। ठीक है, डिस्टॉर्शन आ जाएंगे आपके अरेंजमेंट में, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लाउड भागने लग जाएगा उसकी तरफ, जिसकी वजह से पोलराइजेशन बढ़ जाएगा और पोलराइजेशन बढ़ जाएगा तो कोवेलेंट करेक्टर्स आपका बढ़ जाएगा। बस यही सीख लीजिए, पहला स्टेटमेंट हमारा फजान्स के लिए, लेस साइज कैटाइन मोर पोलराइजेशन मोर कोवेलेंट करेक्टर्स। तो मैंने आपको एक बात बताई थी, देखिए ये फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट है Li प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, रुबिडियम प्लस, सीजियम प्लस। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, आप टॉप टू बॉटम आते हैं, टॉप टू बॉटम आने पर आपकी ये जो आयनिक साइज होगी, मैंने अभी अभी बताया भी था, आयनिक साइज क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। ये बात आप जब समझ लीजिएगा, सेकेंड फैमिली बेरियम प्लस टू, मैग्नीशियम प्लस टू, कैल्शियम प्लस टू, स्ट्रोंशियम प्लस टू, वेरियम प्लस टू, ये सब आपके सेकंड ए फैमिली है, एल्काइल अर्थ मेटल है। ये भी टॉप टू बॉटम आने पर आपकी ये जो आयनिक साइज होगी, इंक्रीज करेगी और ये आपके हेलोजन है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, ये भी आपके ऊपर से नीचे आने पर, टॉप टू बॉटम आने पर आयनिक साइज जो होगी आपकी क्या होगी मेरे बच्चे, इंक्रीज कर जाएगी। ये चीज आपके माइंड में सेट होना चाहिए। मतलब फाइनली आप समझते हैं, सबसे छोटा कैटाइन किसका होगा, Li प्लस का होगा, फिर Na प्लस का कैटाइन होगा, फिर K प्लस का होगा, फिर रुबिडियम प्लस का होगा और फिर आपके सीजियम प्लस का होगा, सॉरी रुबिडियम नहीं आएगा, सीजियम आएगा पहले और फिर आपका यहाँ पे रुबिडियम आ जाएगा। ठीक है, फ्रेंशियम भी आता है, मैंने लिखा नहीं है, तो पोटेशियम के बाद सीजियम होगा, फिर उसके बाद रुबिडियम होगा। ठीक है,
फाइनली आप समझ सकते हैं कि इस ऑर्डर में आपकी साइज डिक्रीज करेगी, मतलब एल आई की साइज सबसे छोटी है, समझ रहे हैं आप लोग, एल आई की साइज सबसे छोटी है। और जिसकी साइज छोटी है, जिस कैटाइन की साइज छोटी है, उसके पास डिफॉर्मेशन ज़्यादा होगा, वो अच्छी सेलिब्रिटी होगी, लोग उसकी तरफ ज़्यादा अच्छे से शिफ्ट होंगे, ज़्यादा से अट्रैक्ट होंगे, और अट्रैक्ट होने का मतलब डिफॉर्मेशन होगा, और डिफॉर्मेशन होने से क्या होगा, पोलराइजेशन होगा, शेयरिंग होने लग जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, मीन्स कोवेलेंट करेक्टर्स आ जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होना ही तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाना होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। एक एल आई सी एल है आपके पास, एक एन ए सी एल है आपके पास, एक के सी एल है आपके पास, ठीक है, एक सीजियम क्लोराइड है आपके पास। आपसे कहेगा कि विच कंपाउंड आर मोर कोवेलेंट करेक्टर्स, ठीक है, तो आंसर मैं कर देता हूँ, एल आई सी एल इज मोर कोवेलेंट होगा एन ए सी एल से, और एन ए सी एल मोर कोवेलेंट होगा के सी एल से, और के सी एल मोर कोवेलेंट होगा आपका सीजियम क्लोराइड से। ठीक है, तो आपने एक चीज नोट कर ली होगी कि भैया जितना लेस साइज होगा पोलराइजेशन ज्यादा होगा, ठीक है, पोलराइजेशन आपका ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ही आपका क्या बढ़ जाएगा, कोवेलेंट करेक्टर बढ़ जाएगा, और कोवेलेंट करेक्टर्स बढ़ेगा आपका तो भैया आपका मेल्टिंग पॉइंट आपका डिक्रीज करेगा, क्या बढ़ जाएगा, मेल्टिंग बॉन्ड आपका कम होगा, और कोवेलेंट करेक्टर्स आपका बढ़ेगा तो क्या होगा, मेल्टिंग बॉन्ड आपका डिक्रीज करेगा, और अगर मेल्टिंग और कोवेलेंट करेक्टर्स बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी भी आपकी डिक्रीज कर जाएगी। ये दो तीन बातें आपको याद रखनी है, क्या क्या कम होने वाला है, क्या क्या बढ़ने वाला है। तो फाइनली हम लोग लिख सकते हैं कि इस ऑर्डर में कोवेलेंट करेक्टर जो है आपका, ठीक है, कोवेलेंट करेक्टर जो है आपका, कोवेलेंट करेक्टर तो आपका डिक्रीज करेगा, एल आई सी एल का कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होगा, ठीक है, सॉल्युबिलिटी भी आपकी डिक्रीज करेगी, और मेल्टिंग पॉइंट भी आपका डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि यही चीज मैंने आपको बताई है कि जितना ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर होगा वो उतना ही लेस सॉल्युबल होगा, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी मोर सॉल्युबल होगा, एल आई सी एल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मोर सॉल्युबल होगा, ठीक है, लेकिन उतना ही उसका मेल्टिंग पॉइंट आपका कम हो जाएगा। तो ये तो पहला स्टेटमेंट था फजांस का कि लेस साइज होगी तो पोलराइजेशन बढ़ेंगे, और पोलराइजेशन बढ़ेंगे तो भैया कोवेलेंट करेक्टर्स बढ़ जाएंगे। आइए मैं उसका दूसरा स्टेटमेंट डिस्कस करता हूँ, ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट डिस्कस करता हूँ, ये इसे आप आराम से प्लीज नोट कर लें, प्लीज इसे आराम से नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो आइए कैटाइन की बात हो गई, अब हम लोग एनायन की बात कर लेते हैं, ठीक है, अब हम लोग एनायन की बात कर लेते हैं। आइए तो अब हम लोग देखते हैं एनायन का डिफॉर्मेशन देखते हैं, कैटाइन का तो देख लिया कि भाई जितनी जितना छोटा कैटाइन होगा उतना डिफॉर्मेशन ज्यादा होगा, कोवेलेंट करेक्टर बढ़ जाएगा, और कोवेलेंट करेक्टर बढ़ेगा तो सर उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करते हैं, और यहाँ पे तो बिग वंडरवॉल फोर्स होते हैं, ये बात आपको पहले से क्लियर है, पहले से वीडियोस में बताया गया है, ठीक है। आइए अब हम थोड़ा एनायन का चर्चा कर लेते हैं, पहले तो एनायंस के बारे में बात कर लूँ। मेरे पास फ्लोरिन है, क्लोरिन है, ब्रोमिन है, आयोडीन है, साइज हमारी इस ऑर्डर में इंक्रीज करेगी, ये बात मैंने आपको भी बता दी थी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, साइज ऑफ एनायंस आपको बढ़ जाएगा, ठीक है, मतलब आयोडीन की साइज ज्यादा होगी सर बी आर माइनस से, और बी आर की साइज बड़ी बड़ी होगी सी एल माइनस से, और सी एल की बड़ी होगी एफ माइनस से, ठीक है। अब मेरा जो अगला स्टेटमेंट है, जो फजांस का स्टेटमेंट था, साइज ऑफ एनायंस की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, साइज ऑफ एनायंस की बात कर रहे हैं, और साइज ऑफ एनायंस के बारे में बताऊं कि मोर साइज ऑफ एनायन, मोर साइज ऑफ एनायंस मोर पोलराइजेशन मींस, और पोलराइजेशन हो गया तो कोवेलेंट करेक्टर आ जाएगा, और कोवेलेंट करेक्टर आ जाएगा तो आपको पता है क्या होने वाला है, सब कुछ क्लियर है, मोर साइज ऑफ एनायन, ठीक है, मैं लिख देता हूं, मोर साइज ऑफ एनायन, आपके एनायंस की जितनी साइज बढ़ेगी उतना ही पोलराइजेशन आपका ज्यादा होगा, ठीक है, पोलराइजेशन ज्यादा होगा और पोलराइजेशन बढ़ेगा तो सीधी सीधी बात है आपका कोवेलेंट करेक्टर्स बढ़ जाएगा, ये बात आप समझ लीजिएगा, और ये बात आपको पता भी है, क्यों, मान लो ये कोई कैटायन है, यहाँ पे तो ये एनायन है आपका, ठीक है ना, इतने लोगों का डिफॉर्मेशन होगा,
और यहाँ पे ये वाला एनायन है, आप खुद समझ सकते हैं ये थोड़ा बड़ा है, और बड़ा है तो भाई यहाँ पे ज़्यादा क्लाउड होगा, बड़ा है तो ज़्यादा क्लाउड होगा, अब ज़्यादा बड़ा क्लाउड है तो आप खुद समझ सकते हैं डिफॉर्मेशन यहाँ पे ज़्यादा होगा, यहाँ पे ज़्यादा लोग शिफ्ट होंगे, ज़्यादा लोग आपको अट्रैक्ट होंगे, ज़्यादा लोग पोलराइजेशन करेंगे, शेयरिंग करेंगे, जिसकी वजह से कोवेलेंट करेक्टर्स आपके बढ़ जाएंगे। तो सेकेंड स्टेटमेंट मेरा यही था, जी भैया जितना ज़्यादा बड़ा एनायन होगा उतना ही कोवेलेंट करेक्टर्स ज़्यादा होगा। आइए, एक है मेरे पास NaCl, एक है मेरे पास NaBr, एक है मेरे पास NaI और एक है मेरे पास NaF। अगर मेरे से कोई कहता कि सर किसका कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा होगा, देखें आपका कैटाइन तो कांस्टेंट है, कैटाइन तो कांस्टेंट है आपका, ये Cl- होगा, ये Br- माइनस, ये I- माइनस, ये F- माइनस। सर NaI ज़्यादा कोवेलेंट होगा NaBr से, ठीक है, NaBr ज़्यादा कोवेलेंट होगा NaCl से, और NaCl आपका ज़्यादा कोवेलेंट होगा NaF से, ज़्यादा कोवेलेंट होगा, ठीक है। ये आपका करेक्टर्स होगा, ये मोर कोवेलेंट होगा मेरे बच्चे, ये आपका मोर कोवेलेंट होगा, और ये मोर कोवेलेंट क्यों होगा, क्योंकि NaN की साइज बड़ी है, और NaF जो है आपका लेस कोवेलेंट होगा, मींस आप कह सकते हैं ये कैसा होगा, मोर आयनिक होगा, इसकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगी और इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होगी वो कम होगी। ये चीज़ आप समझ सकते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस बनाए जाते हैं आपके लिए, आप देख सकते हैं किसका ज़्यादा किसका कम, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हैं। तो ये तो फजान्स का सेकंड स्टेटमेंट हो गया हमारा। आइए मैं थर्ड स्टेटमेंट की बात करता हूँ, जो फजान्स का थर्ड स्टेटमेंट था आपके लिए, ठीक है, पॉज करके आराम से नोट कर लीजिएगा, थोड़ी आपको मिलेगी, ठीक है। दो स्टेटमेंट थे फजान के, अभी तक आपके पास दो स्टेटमेंट आए हैं, लेस कैटाइन होगा पोलराइजेशन बढ़ेगा मींस कोवेलेंट करेक्टर बढ़ेगा सर, मोर एनायन होगा कोवेलेंट करेक्टर बढ़ेगा सर पोलराइजेशन बढ़ेगा। मैंने दोनों चीज आपको समझा दी है, ठीक है, चलिए दोनों चीज मैंने आपको समझा दी है, ठीक है। आइए थर्ड स्टेटमेंट फजान्स का देखते हैं, थर्ड स्टेटमेंट क्या कहता है, थर्ड स्टेटमेंट कहता है चार्ज ऑन कैटाइन, ठीक है, चार्ज ऑन कैटाइन की बात कर रहे हैं कि मोर चार्ज ऑन कैटाइन होगा मोर पोलराइजेशन होगा, जितना ज़्यादा चार्ज होगा आपके कैटाइन पर, ठीक है, उतना ही पोलराइजेशन होगा, मींस Na प्लस है मेरे पास, Mg प्लस टू है मेरे पास, Al प्लस थ्री है मेरे पास, तो चार्ज ऑन कैटाइन किसके पास ज़्यादा, Al प्लस थ्री के पास, फिर Mg प्लस टू के पास, और फिर मेरा Na प्लस के पास, तो यहाँ पे चार्ज ऑन कैटाइन ज़्यादा है, और जितना ज़्यादा चार्ज ऑन कैटाइन होगा वही मेरा होगा मोर पोलराइजेशन, वहीं पे क्या होगा मेरा मोर पोलराइजेशन होगा, और मोर पोलराइजेशन होगा तो क्या हो जाएगा मोर कोवेलेंट करेक्टर आपका बढ़ जाएगा, ये बात आप समझ लीजिएगा, जितना ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। मान लो एक मेरे पास NaCl है, एक मेरे पास MgCl2 है, एक मेरे पास AlCl3 है, किसमें कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा होगा सर, AlCl3 में ज़्यादा होगा, किससे MgCl2 से, और MgCl2 में ज़्यादा होगा NaCl से, ये मोर कोवेलेंट होगा, ये लेस कोवेलेंट होगा, ये कोवेलेंट, ये लगभग आयनिक ही होगा, ठीक है ना, इस तरीके से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। मान लो एक आपको AlCl3 मिला है, एक आपको AlBF3 मिला है, और एक आपको AlI3 मिला है। अब कोवेलेंट करेक्टर्स की बात करें, चार्ज तो आपका कांस्टेंट हो गया, चार्ज तो कांस्टेंट हो गया, अब किसको देखेंगे हम लोग, अब हम एनायन को देखेंगे, आई की साइज बड़ी होती है तो AlI3 ज़्यादा कोवेलेंट होगा किससे, AlCl3 से, और AlCl3 ज़्यादा कोवेलेंट होगा AlF3 से, अब ये को करेक्टर बन जाएगा, ये ऑर्डर बन जाएगा आपका, ठीक है। तो ये तीसरा था आपका चार्ज ऑन कैटाइंस वाला, तीन स्टेटमेंट आ गए फजान्स के हमारे पास, छोटा साइज चाहिए कैटाइन का तो कोवेलेंट करेक्टर बढ़ेंगे, बड़ा एनायन चाहिए कोवेलेंट करेक्टर बढ़ेंगे, और चार्ज ऑन कैटाइंस बढ़ेंगे तो भी हमारे सर कोवेलेंट करेक्टर्स बढ़ जाएंगे। आइए जरा मैं इसे हटा के एक और अगला पॉइंट बताता हूँ, वो थोड़ा सा और अच्छा है आपके लिए, ठीक है, वो थोड़ा सा और अच्छा है, वहाँ से भी थोड़े से प्रॉब्लम्स आपके लिए बनते हैं। आइए चलिए फोर्थ स्टेटमेंट जो फजान का है वो भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। देखिए एक मेरे पास CuCl है, एक मेरे पास NaCl है, अगर मैं वाटर में सोलिबिलिटी की बात करूं
तो NaCl तो आपका मोर सोलेबल है, वो कैसा है, मोर सोलेबल है, ठीक है। लेकिन CuCl जो है आपका लेस सोलेबल है, कैसा है आपका, लेस सोलेबल है। और हमने एक चीज सीखी है कि जो लेस सोलेबल होगा उसके अंदर कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होंगे, और जो मोर सोलेबल होगा उसके अंदर आयनिक करेक्टर ज्यादा होंगे, क्योंकि वाटर में डिजोल्व हो रहा है ना, वाटर तो सोलेबल होता है, पोलर होता है, पोलर होता है। तो फाइनली जबकि दोनों के नेचर एक से है, Cu प्लस और Na प्लस का लगभग नेचर एक सा होता है, और एक कमाल की बात बताऊं इनकी साइज भी लगभग एक सी होती है, नेचर एक सा, चार्ज एक सा, है ना, सब कुछ फेल हो रहा है, चार्ज एक सा, नेचर एक सा, है ना, साइज भी लगभग एक सी होती है। तो सर कैसे कर रहे हैं आप इन चीजों को, तो इसके अंदर मतलब ये लेस सोलेबल है तो मींस ये तो फिक्स है कि CuCl के पास कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा है सर NaCl, तो ये बात तो तय हो गई। लेकिन क्यों है, लेकिन समस्या तो ये है कि क्यों है CuCl के पास कोवेलेंट करेक्टर क्यों है, आइए मैं बता देता हूं। आपका जो फोर्थ स्टेटमेंट ऑफ अजांस का वो ये कहता है कि ऐसे मेटल आपको मिल जाए जिनके पास स्यूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, क्या, जिनके पास स्यूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, मींस जो 18 इलेक्ट्रॉन्स अपने पास रखते हैं, जो क्या रखते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन अपने पास रखते हैं s2p6d10, s2p6d10 मींस 18 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मेटल अपने पास रखते हैं, वो उनका पोलराइजेशन ज्यादा होगा कंपेयर देन अदर मेटल्स, ठीक है, अदर मेटल्स के कंपेयर में। ये सिल्वर के अंदर भी करेक्टर होगा, ये मरकरी के अंदर, मर्क्यूरस के अंदर भी ये करेक्टर्स होगा, क्योंकि ये सब के सब 18 इलेक्ट्रॉन्स अपने पास रखते हैं, सब के सब क्या करेंगे, सब के सब 18 इलेक्ट्रॉन्स अपने पास रखते हैं, और जिसके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके पोलराइजेशन ज़्यादा होते हैं किसी अदर मेटल्स के कंपेयर में। और जो Na प्लस है इसके पास इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन आता है, इनके पास इनर्ट गैस के कॉन्फ़िगरेशन आते हैं, S2P6 की फॉर्म में आते हैं, और इनका शील्डिंग बेटर होता है, इनका शील्डिंग खराब होता है, ये नहीं कर पाते प्रॉपर शील्डिंग न्यूक्लियस से, इसलिए इनका पोलराइजेशन अच्छा है, इसलिए ये ज़्यादा अच्छे हैं इनके कंपेयर में, ठीक है, इसलिए इनका पोलराइजेशन अच्छा है इनके कंपेयर में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इस टाइप की प्रॉब्लम्स का भी ध्यान रखना है हमें, ठीक है। अगर कहीं AgCl है, कहीं NaCl है, तो कौन ज़्यादा लेस सोलेबल होगा, ये लेस सोलेबल होगा, ये मोर सोलेबल होगा, ठीक है ना, ये लेस सोलेबल क्योंकि इसके पास कोवेलेंट करेक्टर्स ज्यादा होगा, क्यों होगा, क्योंकि इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, स्यूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने पास रखेगा, ठीक है, स्यूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने पास रखेगा, ठीक है। यही फजांस के रूल थे, फजांस के और भी एप्लीकेशंस हैं, लेकिन जो आपके स्टैंडर्ड में थे वो मैंने बताए। मैं पूरा फजांस एक बार और रिपीट कर देता हूँ, आपको ध्यान रखना है कि फजांस क्या कहता है कि कोई भी बॉन्ड के अंदर ना तो 100% कोवेलेंट करेक्टर है, ना ही 100% आयनिक करेक्टर्स होते हैं। अगर आप उनके बॉन्ड के करेक्टर्स नेचर जानना चाहते हैं तो फजांस को फॉलो करना पड़ेगा। फजांस कहता है जितना छोटा कैटायन होगा पोलराइजेशन बढ़ते हैं, कैटायंस पोलराइजेशन बढ़ेंगे, कोवेलेंट करेक्टर्स बढ़ेंगे, जितना बड़ा एनायन होगा कोवेलेंट करेक्टर्स बढ़ेंगे, ठीक है, चार्ज ऑन कैटायंस बढ़ेगा, कोवेलेंट करेक्टर्स बढ़ेंगे। लेकिन अगर दो मेटल एक से है, साइज एक सी है, चार्ज एक से है, लेकिन अगर कोई उनमें से 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम अपने पास रखता है, मीन्स स्यूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने पास रखता है, तो वो ज़्यादा कोवेलेंट करेक्टर्स शो करेंगे, पोलराइजेशन उनके अच्छे होंगे, ज़्यादा होंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ और भी स्टूडेंट्स को बताइएगा।